सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट फ्रंटियर के बारे में। ये कहानी है रशियन सेना की, जब कुछ जवानों को सेना में नया नया भर्ती किया गया था और अभी उनकी ट्रेनिंग चल ही रही थी, तभी बीच में ही दुश्मन ने हमला कर दिया, इसीलिए उनकी ट्रेनिंग आधे पे छूट गई और उन्हें निकलना पड़ा मौत के सफर पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे तीसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सिनेमा शौकीन 3.0 को। हमारे कुल 4 चैनल्स हैं, जिनमें से हमारा तीसरा चैनल बहुत ही पीछे है और उस चैनल पे आप लोगों के प्यार की वाकई में जरूरत है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके जाएं हमारे तीसरे चैनल पे और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तीसरे चैनल पर भी रेगुलर वीडियोज अपलोड करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्में देखने को मिलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मॉस्को का दृश्य आता है और यहाँ पर हम घमासान बारिश देखते हैं और इसी बीच रशियंस लड़ रहे होते हैं जर्मन सेना से और हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ होता है और सारे लोग जहाँ भी होते हैं वहीं चिल्ला रहे होते हैं और कुछ लोग मशीन गन को टो करके आगे लेकर के जा रहे होते हैं। तब उनका सीनियर उन पे चिल्लाता है और कहता है कि जल्दी से पोजीशन लेने के लिए, इसीलिए सब लोग एक बार फिर से पोजीशन ले लेते हैं और अब सारे लोग हमला करने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन ये बारिश बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए इन्हें नजर भी नहीं आ रहा कि इनके सामने कौन है और ये बार बार फिसल के नीचे भी गिर रहे हैं। लेकिन अब ये लोग हमला करना शुरू कर देते हैं और जो सिपाही हमला कर रहा होता है बाकी सारे लोग उसे गोलियां देते हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। लेकिन देखते ही देखते इनकी गोलियां खत्म होने लगती है, तब कुछ सिपाही जाकर के दूर से गोलियां लाते हैं, लेकिन इस बीच में कुछ लोग नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन जो बची हुई गोलियां हैं इसका ये लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक एक दुश्मन को चुन चुन के मार रहे हैं। लेकिन इस बीच में सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं और जो सिपाही गोली चला रहा है उसके अंदर ये डर है कि कहीं उसका निशाना ना चूक जाए, क्योंकि उसे भी अपने जान का खौफ है, इसीलिए वो बार बार चिल्लाते रहता है और सबको सतर्क रहने के लिए कहता है और सबको कहता है कि वो गोलियां चलाते रहें। इसीलिए इनकी पूरी टीम में जोश होता है जो एक के बाद एक ऐसे ही गोलियां चलाते जाते हैं। तभी हम इनके कमांडर को देखते हैं जो एक नया आदेश देता है और कहता है कि दुश्मनों के टैंक पे हमला करो, इसलिए अब सारे लोग टैंक पे हमला करने लगते हैं और वो एक के बाद एक सारे टैंक्स पे निशाना लगाते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये सारे के सारे टैंक कागज के हैं और इन सारे सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ये सारे के सारे सिपाही बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा बनाया गया है जिसे देखने के बाद इन्हें लगे कि ये कोई युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अब कमांडर बार बार ऐसे ही आदेश देते रहते हैं और वो कमांड भेजते हैं लोबरव के लिए। लोबरव यहाँ का जूनियर सार्जेंट है, लेकिन लोबरव यहाँ पे कमांडर का आदेश नहीं सुनता और वो अपने तरीके से दुश्मनों को मारने लगता है, इससे कमांडर भड़क जाते हैं। तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं और ये लोग भी सेना में हैं और यहाँ की एक लड़की एक सिपाही का नाम लेती है जिसका नाम है दमित्री और कहती है कि दमित्री मुझे पसंद है। तभी वहाँ पे एक और लड़की है, वो कहती है कि लेबरो सबसे बेस्ट है और मुझे लेबरो ही पसंद है। लेकिन अब कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए ट्रेनिंग के बाद जब सारे सिपाही वापस आते हैं तब कमांडर जाते हैं लोबरो के पास और उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि युद्ध में कभी भी अपनी मनमानी मत करना वरना तुम्हारी ये गलती के कारण तुम्हारे बहुत सारे साथी मारे जाएंगे। और इतने कहने के बाद वो पूछता है कि आज तुमने कितने दुश्मनों को मारा, तब वो कहता है कि 3। तब कमांडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सिर्फ 2 लोगों को मारा है। और इसके बाद वो उसे एक के बाद एक सवाल पूछते जाते हैं, लेकिन लोबरो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तब दमित्री सामने आता है, दमित्री और लोबरो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर दमित्री अपने दोस्त को बचाता है और वो उसके सारे सवालों के जवाब देता है और कमांडर यहाँ से चले जाते हैं। तब हम लोबरो और दमित्री को बात करते हुए सुनते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं जिसका नाम है माशा, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाते कि माशा आखिर किसे चाहती है, इसीलिए दोनों कहते हैं कि हम कभी भी उस पर डोरे नहीं डालेंगे और हम माशा को ही चुनने देंगे कि उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है और वो जिसे भी चुनेगी वो फैसला उसका आखिरी फैसला होगा, हम उसे कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। और ये दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है लोबरो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो चला जाता है उनके हॉस्टल में और जब वो माशा को सोते हुए देखता है तब वो उसके हाथ में एक फूल दे देता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए वो जाकर के छुप जाता है। तब यहाँ पे एक लेडी आती है और वो माशा से बातें करने लगती है और इसी बीच वो पूछती है कि ये फूल तुम्हें किसने दिया। तब माशा कहती है कि पता नहीं और इतना कहने के बाद वो बातें बनाने लगती है। तभी लेबरो यहाँ की चीजों से टकराने लगता है और आवाजें आने लगती है और माशा समझ जाती है कि यहाँ पे कोई है, इसीलिए वो इस लेडी को बाहर भेज देती है और धीरे धीरे जाती है लोबरो के पास और उसे देखने के बाद डांटने लगती है और कहती है कि तुम बिना किसी के इजाजत के अंदर कैसे चले आए। तब लोबरो डरने लगता है और इस चीज को देखने के बाद माशा उसे किस कर लेती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इस घटना के बाद लेबरो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो भागता हुआ आता है अपने हॉस्टल में। लेकिन दमित्री अभी भी जगा हुआ होता है और वो देखता है कि लोबरो कहाँ से आ रहा है, इसीलिए वो समझ जाता है कि वो माशा से मिलकर के आ रहा है। फिर दमित्री गुस्से में पहुंचता है लेबरो के पास और कहता है कि तुमने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, हमारे बीच डील हुई थी कि कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, फिर भी तुम उसके पास क्यों गए। तब लोबरो कहता है कि मुझे पता था कि वो पहले से मुझे चाहती है, इसीलिए उसने मुझे किस किया। तब इस बात को सुनने के बाद दमित्री गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते ये दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं और चारों तरफ शोर होने लगता है। इसे सुनने के बाद यहाँ का लेफ्टिनेंट आ जाता है और वो इनसे पूछने लगता है कि कौन लड़ रहा था। तब लोबरो कहता है कि मैं ऊपर से बस नीचे गिर गया क्योंकि लोबरे के सर से खून निकल रहा होता है।
लेकिन दमित्री बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए लेफ्टिनेंट को सारी बात बता देता है और कहता है कि मेरे और लोबरो के बीच झगड़ा हो रहा था। तब लेफ्टिनेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इन दोनों को पनिशमेंट देते हैं। तभी हम दूसरी तरफ यहाँ के अधिकारियों को देखते हैं और ये लोग कमांडर को बताते हैं कि जर्मन सेना आगे बढ़ रही है और उनके सबसे करीब तुम्हारा मिलिट्री स्कूल है, इसीलिए बाकी सेना को वहाँ पे आने में वक्त लगेगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे स्टूडेंट को लेकर के जाओ और जर्मन को उसी जगह पे रोक करके रखो। और कमांडर भी इस बात के लिए मान जाते हैं, इसीलिए वापस आते हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि अब इन सबको युद्ध पे जाना है और इनकी ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है, इसीलिए अब सबको बंदूकें दी जाती है और सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दमित्री और लोबरो को भी आजाद कर दिया जाता है और उनकी पनिशमेंट को माफ करके उन्हें भी सेना में भर्ती किया जाता है और सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं, जर्मन इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और यहीं से इनके युद्ध की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे बहुत देर तक गोलीबारी होती है। तब ये लोग भी जर्मन को मारते हैं, लेकिन जर्मन में इनके कई सारे सिपाहियों को मार गिराते हैं। लेकिन देखते ही देखते ये लोग सबको मार के आगे बढ़ जाते हैं और जब आगे जा रहे होते हैं तभी इन्हें रशियन सेना की एक और टुकड़ी मिलती है जिन्हें ये लोग अपना पहचान बताते हैं और सारी बातें बताते हैं कि ये लोग जर्मन को रोकने के लिए जा रहे हैं ताकि तब तक बाकी सेना यहाँ पे चली जाए। इसलिए वो दूसरी टुकड़ी भी इनके साथ मिल जाती है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है इनके पास फिर से एक जर्मन टुकड़ी चली आती है और देखते ही देखते यहाँ पे फिर से गोलीबारी होने लगती है और इस बार की लड़ाई बहुत ज्यादा घमासान होती है और एक छोटी सी टुकड़ी को लीड कर रहा होता है लेब्रो, इसीलिए बीच युद्ध में वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे युद्ध का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है और इसकी वजह से उसके कुछ साथी मारे जाते हैं। फिर इस चीज को देखने के बाद इनके कमांडर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो लोग लेब्रो का डिमोशन कर देते हैं और ये युद्ध ऐसे ही चलते जाता है। लेकिन बीच बीच में इन्हें रेस्ट भी मिलता है। तभी यहाँ पे कमांडर आते हैं और सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के योजना बनाने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि इन्हें सिर्फ यहाँ पे एक डिफेंस बनाना है ताकि ये लोग जर्मन को यहाँ पे रोक के रखे, इन्हें बिल्कुल भी अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर जर्मन को यहाँ से आगे जाना है तो उन्हें सबसे पहले इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा और पुल ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, इसीलिए सारे के सारे रशियन सेना वाले यहाँ पे होंगे और वो जर्मन को कभी भी पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। इसीलिए सारे लोग अपने डिफेंस पे काम करने लगते हैं और दूसरी तरफ लड़ाई ऐसे ही जारी रहती है। रशियंस जर्मन्स को मारते हैं और जर्मन्स रशियंस को मारते हैं और हर तरफ खौफ का साया ऐसे ही फैल रहा होता है और रशियन सेना ऐसे ही डिफेंस बना रही होती है। फिर ये लोग देखते ही देखते अपने सारे टैंक्स यहाँ पे बुला लेते हैं जिनमें से कुछ एंटी टैंक्स भी होते हैं, लेकिन ये युद्ध बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता, इसीलिए अधिकारी बार बार योजना बनाते जाते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तब शाम में कुछ और सिपाहियों को बुलाया जाता है क्योंकि आज कुल 68 सिपाहियों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं जिनमें लोबरो भी घायल हो गया है, इसीलिए लोबरो को लेकर के जाया जा रहा है और उसके साथ यहाँ पे माशा भी है जो उसका ख्याल रखने वाली है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और धीरे धीरे सिपाहियों की तादाद बढ़ती जाती है और सारे लोग यहाँ पे ट्रेंचेस बना लेते हैं और वो ट्रेंचेस में छुपे रहते हैं और सबको इस युद्ध की आदत लग जाती है, इसीलिए वो आराम से ट्रेंचेस में बैठे रहते। तभी अचानक इन पे जर्मन एयरफोर्स हमला कर देती है और वो इन पे गोला बारूद बरसाने लगते हैं जिससे सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जर्मन बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेते और गोला बारूद के बाद वो यहाँ पे मिसाइल्स फेंकने लगते हैं जिससे बहुत सारे रशियंस मारे जाते हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट हो रहा होता है। तब जर्मन को लगता है कि उन्होंने रशियंस को पीछे ढकेल दिया, इसीलिए वो अपने सारे टैंक्स को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रशियंस ने एक और सेना की टुकड़ी को छुपा रखा है, वो भी सेकंड लाइन डिफेंस के लिए, इसीलिए अभी सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग जर्मन टैंक्स को देखते हैं वो उन पे आर्टिलरी फायर करने लगते हैं और वो दो जर्मन टैंक्स को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जर्मन अपने टैंक को लेकर के पीछे हटने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि अभी भी इनका डिफेंस बहुत तगड़ा है। लेकिन अब हम शाम में देखते हैं लेब्रो को और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तभी उससे मिलने के लिए यहाँ पे दमित्री आता है और ये दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने सारे गिले सिकवों को दूर कर देते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब शायद इनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। तभी हम फिर से रशियन सेना को देखते हैं और सारे के सारे अधिकारियों की चिंता ऐसे ही बढ़ती जा रही है क्योंकि वो हर रोज अपने बहुत सारे लोगों को खोते जा रहे हैं। तभी हम दमित्री और लोबरो को देखते हैं और ये दोनों पहुंचते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पास। तभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे कुछ जर्मन साजिश कर रहे हैं और उन्होंने घुसपैठियों को यहाँ पे भेजा हुआ है, इसलिए जल्दी ही जाकर के ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि जर्मन से यहाँ पे साजिश कर रहे हैं। फिर देखते ही देखते ये लोग प्लानिंग करते हैं और इन्हें जर्मन के अड्डे के बारे में पता लग जाता है। फिर ये लोग घमासान हमला करते हैं जर्मन पे और बहुत सारे लोगों को मार गिराते हैं और उसके साथ साथ ये लोग कुछ लोगों को बंधक भी बना लेते हैं और दो बंधकों को लेकर के जाते हैं कमांडर के पास। तब वो दोनों जर्मन डरने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जितनी भी चीजें पता है हम वो तुम लोगों को सारी चीजें बता देंगे, लेकिन बस हमें जिंदा छोड़ दो। और इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि वो हमें मॉस्को भेजना चाहते थे अंदर ताकि हम तुम्हारी सारी खबरें दे सके और अब वो जल्दी ही पुल पे हमला करने वाले हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तब इस बात को सुन के ये लोग और भी मुस्तैद हो जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि अब सेकंड डिफेंस पर भी हमला हो चुका है और जर्मन अब पुल को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए अब कमांडर अपने सारे लोगों के साथ यहाँ पे चले आते हैं और सब लोग जर्मन पे हमला करने लगते हैं। लेकिन जर्मन की तादाद इस बार बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत सारे रशियंस को मार रहे हैं। तब कमांडर निश्चय करते हैं कि वो पूरे के पूरे पुल को ही उड़ा देंगे, इसीलिए सारे
लोग पुल की तरफ एक्सप्लोसिव लगाने लगते हैं। तभी हम माशा को देखते हैं जो दमित्री को ढूंढ रही होती है, और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचती है दमित्री के पास, और अब माशा को पता लग जाता है कि दमित्री उससे प्यार करता था और अब वो यहाँ की बटालियन को छोड़ करके जा रहा है। इसीलिए माशा यहाँ पर किस करती है दमित्री को और कहती है कि वो शहर में उसका इंतजार करेगी, और लबरो भी इन सारी चीजों को देख लेता है और देखने के बाद निराश हो जाता है। लेकिन अब माशा यहाँ से चली जाती है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनकी दूसरी सेना पे हमला हुआ है और अब जर्मन इस पुल के बजाय कहीं और से आ रहे हैं और उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है, और जितने भी लोग वहाँ पे डिफेंस पे थे जर्मन ने वहाँ के लगभग लोगों को मार दिया है, इसीलिए कमांडर उन्हें देखने जाते हैं। तब यहाँ पे एक औरत होती है जिसके बेटे की अभी अभी मौत हुई है उस युद्ध में, इसीलिए वो कमांडर पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मासूम बच्चों को क्यों मारा जा रहा है और उन्हें युद्ध में भर्ती करने की क्या जरूरत थी। तब कमांडर कहते हैं कि इसी का नाम युद्ध है, और इतने कहने के बाद चले जाते हैं। तब जर्मन से यहाँ पे आसमान से पैम्पलेट नीचे गिराने लगते हैं ताकि वो रशियंस को और भी ज्यादा डरा सके, क्योंकि उन लोगों ने पैम्पलेट में लिखा होता है कि हम ऑलरेडी रशिया में घुस चुके हैं और हम वॉर्सो रोड से अंदर जा रहे हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब सारे के सारे रशियन सिपाही डरने लगते हैं और उन्हें एहसास होने लगता है कि जर्मन्स कितने खतरनाक हैं। तभी हम कमांडर को देखते हैं और अब कमांडर के सामने बहुत सारे सिपाही हैं, और ये सारे वो सिपाही हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं। लेकिन वो कमांडर से कहते हैं कि हम अभी भी युद्ध पे जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारा देश पहले आता है। तब कमांडर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को अभी सख्त इलाज की जरूरत है क्योंकि तुम ही लोग रशिया का भविष्य हो, लेकिन ये सब सिपाही नहीं मानते। तब कमांडर कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तुम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी लैब्रो आता है दमित्री के पास और कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे छुप करके जाऊंगा तुम्हारे ट्रूप के साथ। इसीलिए अब लैब्रो नीचे छुप जाता है और बाकी सारे सिपाहियों को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। लेकिन माशा अभी भी यहाँ पे है और वो घायल सिपाहियों की मदद करती है और वो बीच बीच में लैब्रो से बात भी करती है और उसे जरूरत की सारी दवाइयाँ देती है। तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे रशियंस टैंक्स इधर ही आ रहे हैं और इन्हें लगता है कि शायद रशियंस ने आके जर्मन्स को मार दिया, इसीलिए सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और सारे लोग कूदने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे टैंक नजदीक आता है इन्हें पता लगता है कि ये जर्मन टैंक है और इन सब ने धोखा देने के लिए रशियन फ्लैग लगा रखा है, इसीलिए अब ये सारे लोग छुपने लगते हैं और जर्मन इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और एक बार फिर से सबके सर पे मौत मंडराने लगती है। लेकिन अब देखते ही देखते सारे रशियंस भी अलर्ट हो जाते हैं और हर जगह ये बात फैल जाती है कि ये टैंक जर्मन्स का है, इसीलिए सारे लोग टैंक्स पे हमला करने लगते हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद हम दमित्री को देखते हैं और वो जर्मन्स पे गोलियां चला रहा होता है। लेकिन अब जर्मन्स यहाँ पे दमित्री को भून के रख देते हैं और माशा इस चीज को देख लेती है, इसीलिए वो भागते ही पहुंचती है दमित्री के पास और उसे घर के अंदर लाती है। लेकिन माशा को भी पता है कि अब दमित्री नहीं बचेगा। तब यहाँ पे दमित्री अपने प्यार का इजहार करता है माशा से और कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता था और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता था। तभी यहाँ पे लैब्रो भी आ जाता है और देखते ही देखते यहाँ पे दमित्री की मौत हो जाती है और उसकी मौत से ये दोनों टूट जाते हैं और लैब्रो गुस्से में बंदूक उठा लेता है और वो एक एक करके जर्मन्स को मारने लगता है। लेकिन इन्हें बार बार कहा जाता है कि अब इन्हें यहाँ से भागना है और इन्हें इस एरिया को छोड़ देना है, लेकिन लैब्रो किसी की बात नहीं सुनता और वो अंधाधुंध इन पे गोलियां चलाते रहता है और माशा भी यहीं पे होती है, वो भी यहाँ से नहीं जाती और लैब्रो जल्दी ही बहुत सारे टैंक्स को नष्ट कर देता है जिससे जर्मन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। फिर वो इन पे मिसाइल्स फेंकते हैं और वो पूरे के पूरे एरिया को उड़ा देते हैं और ये धमाका बहुत ही बड़ा होता है, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। फिर सारे लोग शोक मनाने लगते हैं कि उनके बहादुर सिपाहियों ने लड़ते लड़ते जान दे दी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जर्मन्स को मार गिराया। इसीलिए अब देखते ही देखते यहाँ का युद्ध खत्म होने लगता है और जितने भी लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे वो सारे के सारे सिपाही कुछ वक्त के लिए वापस आने लगते हैं। तब सारे के सारे अधिकारी उन्हें सलाम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग कैसी लड़ाई लड़ करके वापस आ रहे हैं, और सारे सिपाही एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और अंत में हमें एक आवाज सुनने को मिलती है जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, रह जाएंगी तो सिर्फ यादें। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।